ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 33। अभी तक आपने सुना हिडंबासुर का वध। अब कथा आगे, आज की कथा होगी हिडंबा से भीमसेन का विवाह तथा घटोत्कच का जन्म। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, राक्षसी को पीछे आते देखकर भीमसेन ने कहा, हिडिंबे, मैं जानता हूं कि राक्षस मोहिनी माया के सहारे पहले वैर का बदला लेते हैं, इसीलिए जा, तू भी अपने भाई के रास्ता नाप ले। युधिष्ठिर ने कहा, राम राम, क्रोधवश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे शरीर की रक्षा से भी बढ़कर धर्म की रक्षा है, तुम धर्म की रक्षा करो। इसके बाद हिडिंबा कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम करके हाथ जोड़ कर कुंती से बोली, आर्ये, आप जानती हैं कि स्त्रियों को कामदेव की पीड़ा कितनी दुस्सह होती है। मैंने अपने सगे संबंधी कुटुंबी और धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को पति के रूप में वरण किया है। यदि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, जब आप लोग याद करेंगे मैं आ जाऊंगी, आप जहां कहेंगे पहुंचा दूंगी। बड़ी से बड़ी कठिनाई और आपत्ति के समय में भी मैं आप लोगों को बचाऊंगी। जो आपत्काल में भी अपने धर्म की रक्षा करता है वही श्रेष्ठ धर्मात्मा है। तब युधिष्ठिर ने कहा, हिडिंबे, तुम्हारा कहना ठीक है, सत्य का कभी उल्लंघन मत करना। प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे, सायकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना। राक्षसी के स्वीकार कर लेने पर भीमसेन ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हिडिंबा ने कहा, यह भी स्वीकार है। इसके बाद वह भीमसेन को साथ लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई और भीमसेन के साथ विहार करने लगी। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ। विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले कान, भीषण शब्द, लाल होंठ, तीखे दाढ़े, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओं का खजाना। वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बड़ा हो गया और तत्काल ही जवान हो गया, सर्वास्त्रविद और वीर हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मय, राक्षसियों के लिए तुरंत गर्भ धारण कर लेना, बच्चा पैदा करना, वह जैसा रूप चाहे वैसा बना लेना, ये बहुत ही आसान होता है। हिडिंबा के बालक के सिर पर बाल नहीं थे, माता पिता ने उसके सिर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया। घटोत्कच पांडवों के प्रति वृषधा और प्रेम रखता और वे भी उनके प्रति बड़ा स्नेह रखते। हिडिंबा ने सोचा कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा का समय पूरा हो चुका है। तब घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं, आप निसंकोच बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने कहा, बेटा, इन पांचों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है, अतः समय आने पर इनकी सहायता करना। तब घटोत्कच ने कहा, जब आप लोगों को कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें, मैं आ जाऊंगा। यह कहकर उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। तब वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज इंद्र ने कर्ण की शक्ति का आघात सहने के लिए ही घटोत्कच को उत्पन्न किया था। आगे चलकर पांडवों ने सिर पर जटाएं रख ली और वृक्षों की छाल तथा मृगचर्म पहन लिए। इस प्रकार तपस्वियों का वेश धारण करके वे अपनी माता के साथ वन में विचरने लगे। एक बार वे शास्त्रों के स्वाध्याय में लग रहे थे, उसी समय भगवान श्री वेद व्यास उनके पास आए। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, मुझे तुम लोगों की यह विपत्ति पहले ही मालूम हो गई थी। मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने अन्याय करके तुम्हें राजधानी से निर्वासित कर दिया है। मैं तुम लोगों का हित करने के लिए ही आया हूँ। तुम इस विषादमय परिस्थिति से भी दुखी मत होना, यह सब तुम्हारे सुख के लिए ही हो रहा है। यहां से पास ही एक बड़ा रमणीय नगर है, तुम लोग वहां छिप कर रहो और फिर मेरे आने की प्रतीक्षा करो। पांडवों को इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें साथ लेकर वे एक चक्रा नगरी की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने कुंती से कहा, कल्याणी, तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बड़े ही धर्मात्मा है, ये धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओं पर शासन करेगा। तुम्हारे और माद्री के सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। ये लोग राजसुई, अश्वमेध आदि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे।
अपने सगे संबंधी और मित्रों की सुखी करेंगे और परंपरागत राज्य का चीरकाल तक उपभोग करेंगे। व्यास जी ने इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और जाते जाते कहा, एक महीने तक मेरी प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगा। तुम लोग देश और काल के अनुसार सोच समझ कर काम करना, तुम्हें बड़ा ही सुख मिलेगा। सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। फिर व्यास जी वहां से प्रस्थान कर गए। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।